तुम्हारी ऐसी वीडियो में डालनी है। Assalamualaikum, I'm Iziya, how are you all? नए दिन का आगाज़ आप लोगों के साथ। I woke up quite late, तो मैंने अपने लिए और उमेर के लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। Then we went to Almaya supermart for shopping because I thought why not try a new recipe। So हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ से मुझे चिकन वगैरह और कुछ चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी थी। और जो अलमाया है ये 24 आवर्स जो है वो ओपन रहता है। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग एट नाइट दैन यू कैन गेट फ्राम हेयर। हम जो है वो सिलिकॉन स्टेस वाले ब्रांच में थे बिकॉज आई एम लिविंग इन हेयर। नाउ आई हैव टू स्टार्ट मेकिंग चिकन चीज़ बटर। सो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इफ़ यू वांट टू मेक देन वॉच दिस वीडियो। मैंने मैरिनेट के लिए जो चीज़ यूज़ की है गार्लिक, जिंजर, चिली सॉस, सॉल्ट, रेड पेपर, ब्लैक पेपर एंड लेमन, दैट्स ऑल। फर्स्ट मैंने जो चिकन पे है वो गार्लिक, जिंजर और लेमन लगा के रख दिया था। फिर मैंने दही के अंदर चिली सॉस, नमक, ब्लैक पेपर, रेड पेपर और लेमन बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया और अगेन मिक्स करके अच्छे से जो है इसको मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। एज़ आई टोल्ड यू कि मैं काफ़ी लेट जागी थी, सो मैंने इसको 6 PM जो है आफ्टरनून में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था एंड 8 बजे जो है ना वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत यूनिक किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर देखिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये इटालियन डिश है और डिनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है, सो आप फुल वीडियो देखिएगा। और इस डिश के साथ जो है ना राइस का कम्बिनेशन जो है वो बहुत फिट रहता है, सो आप भी इस तरह बनाइएगा। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर जो है प्याज, टमाटर, मिर्चें, लहसुन और जो है ना आलू वो ऐड किया था। अगर आपको आलू पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इस रेसिपी का जो है ना टेस्ट इन्हांस हो जाता है और बच्चे भी जो है वो खुश होकर खाएंगे। सो देखिए मैंने इस तरीके से सारे काट लिए। नाउ मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था वो इसके अंदर ऐड कर दिया और बाकी जितना भी मिक्सचर जो मेरे पास बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया था कि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। और अब इसके बाद जो है वो मैंने जितने भी वेजेस कटी हुई थी वो मैं इसके अंदर लगा दूंगी। और 2 टेबल स्पून जो ऑलिव ऑयल जो है वो मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि ऑलिव ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। सो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो घर में यूज़ कर रहे हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये सब कुछ लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर जो है वेजीज के ऊपर भी मैंने 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड कर दिया था। मैंने ऑलरेडी जो है ना इलेक्ट्रिक ओवन को प्री हीट कर लिया था, देन ये मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अभी तो मैं फ़िलहाल घर में होती हूँ, सो बस घर में जो है वो खाना बनाना है या बाहर घूम लिया, कुछ चीज़ें ले आई, बस यही आजकल अभी चल रहा है। बिकॉज उमेर के जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस का जो है वो वेट हो रहा है, जैसे ही वो आएगा सो हम लोगों ने आइट्स की तैयारी भी करनी है और बहुत ज़्यादा काम है। हम आप प्रे करें कि जल्दी जल्दी उमेर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आ जाए ताकि जो काम हमारे रह गए हैं पेंडिंग है वो हो जाए। और इसके बाद जो है ना मैंने राइस को बॉईल कर लिया था और इसके अंदर मैंने एग भी ऐड किया था। ये मैं उमेर को कह रही थी कि आए आप मुझे निकाल के दें बिकॉज बहुत गर्म है और मुझसे निकाला नहीं जा रहा था। सो इस वजह से मैंने उमेर को बुलाया कि आप आएँ और इसको निकाल के दें। ये देखें जी, ये अब हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जितने भी वेजीज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया था वो सारों को मैंने निकाल लेना है अच्छे से। और इसके अंदर जो है ना अभी भी पानी मौजूद था वो मैंने खुद रखा था, हमने ग्रेवी भी बनानी है, सो इसकी जो है ना हमें नीड होगी। मैंने जो है ना ये वेजीज जो निकाली हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। इस मिक्सचर की जो ग्रेवी बनेगी ना, बिलीव मी, बहुत टेस्टी बनती है। अक्सर लोग ये सोचेंगे ये जी ये क्या हो गया, बस ग्राइंड करती पहली और ऑयल में डालती और बन जाता। नहीं, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जो चिकन की जो स्टीम है ना वो इसके अंदर आई है, इससे जो इसका टेस्ट है वो वाकई इन्हांस हुआ है। सो आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके अंदर ना सिर्फ बटर ऐड किया था, कोई ऑयल नहीं ऐड किया था, जस्ट बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी ऐड कर लीजिएगा, 2 टेबल स्पून या जितना आपको चाहिए होगा। आपने इसके अंदर बटर ऐड करना है या देसी घी ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं आलू के जो पीस मैंने किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि कुछ जो है वो नहीं पके थे अच्छे से और कुछ मैंने जो ग्रेवी के साथ ही ग्राइंड कर लिए थे। तो आप भी जो है जब ग्रेवी बनाएं तो उसके अंदर कुछ जो पीस है ना वो लाजमी ऐड कर लीजिएगा, उससे जो ग्रेवी जो है ना वो बड़ी क्रीमी सी लगती है। नाउ मैंने इसके अंदर जो है एक चिकन क्यूब ऐड किया था और उसके बाद चिकन लेग पीस जो है वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अब जो ये सूप मेरे पास पड़ा हुआ था जो मैंने खुद बचाया था उसके अंदर ये ऐड कर दूंगी, क्योंकि चिकन का जितना भी टेस्ट है वो इसके अंदर था। सो मैंने ये भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास चिकन सूप है तो वो हाफ कप जो है वो ऐड कर दें, अगर वो नहीं है तो 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें। मैंने चिकन पाउडर ऐड किया इसको और मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। आपकी जो आँच है ना चूल्हे की वो स्लो होनी चाहिए, क्योंकि जो चिकन जो है ना उसके अंदर मसाला अच्छे से रच जाए और वो जो चिकन लेग पीस है ना वो सॉफ्ट हो अंदर से भी। इस वजह से जो है ना वो आप स्लो जो फ्लेम में ना आपने पकाना है। उसके बाद ये मैंने इटालियन सीजनिंग जो है वो ऐड कर दी थी और अब मैं इसके अंदर जो है हाफ कप मिल्क ऐड करूँगी और एंड में जो है ना मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे जो है ना मैं मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आपके पास जो भी चेडर चीज़ है वो ऐड कर लें, लेकिन मैं जो प्रेफर है वो मोज़रेला चीज़ करूँगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो अच्छा होता है और हर किसी को पसंद भी आ जाता है। सो ये आप जो है ना इसको ऐड करें और अच्छे से पकाएं। राइस बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, सो मैंने इसको गर्म किया और यहाँ हमारा जो है ना ये चिकन चीज़ बटर जो है वो भी रेडी हो गया था। सो मैंने इसको अच्छे से बनाया। एंड में जो है ना मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया था और अगर आपके पास मशरूम है वो भी आप ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। राइस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं मशरूम भी। सो जी ये था आज हमारा व्लॉग और बहुत टेस्टी बना था। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरा दिल करता है कि बस मैं यूनिक सी चीज़ें ट्राई करती रहूं और बिलीव मी ये मैं खुद से ही ट्राई करती रहती हूँ। जैसे अभी आज मैंने जो है राइस को बॉयल किया था, पानी निकालने से पहले मैंने उसके अंदर एक अंडा जो था ना वो तोड़ के डाल दिया और फिर मैंने पानी को निकाला था। अगर तो आप डाइट पे हैं सो ये आज का डिनर जो है वो आपका एक मील जो है वो बहुत टेस्टी भी लगेगा आपको और आपकी डाइट भी मैनेज रहेगी। इफ़ यू आर ऑन अ डाइट देन आई थिंक सच अ पोर्शन इज़ राइट फॉर यू। सो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया और कैसे बना। यहाँ पे मैं उमेर से भी उनके रिव्यू ले रही थी कि भी आप बताएं कैसा बना है, तो वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई बहुत अच्छा बना है। सो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर भी शेयर करूँगी। एंड देन हम जो है वो वॉक के लिए बाहर चले गए थे। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।